भाई ये रेडिएटर है लीकेज, ये देख सकते हो आप, पाइप दो जगह से लीक है, जहाँ से लीक था पाइप में केमिकल डाल के पहले साफ कर लिया था। ये सुराख आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे वेल्डिंग करना है। ये देखिए, इससे पहले फ्लेक्स दे लेना थोड़ा सा, जैसे उसके बाद राड चलाया, अभी फिर फ्लेक्स देंगे और वेल्डिंग जो अंदर जाता है पानी की तरह, हम दो तीन बार राड दे देते हैं, पानी की तरह वेल्डिंग अंदर घुस जाता है। ठीक है, क्लैरिटी आपको फ्लैक्स लगा वेल्डिंग के ऊपर, फ्लैक्स हटने के बाद आपको वेल्डिंग दिखेगा कैसा है। हटाएंगे अभी, पहले आप वेल्डिंग देख लो कैसे कर रहे हैं। फ्लैक्स देना है इसे राड के साथ लगा के, राड को देखिए आप कैसे चला रहे हैं हम। ठीक है, अभी पानी मारेंगे यहाँ पे। ये रेडिएटर आया है लीकेज के लिए और क्लीन करने के लिए। ये पूरा वीडियो है, पूरा चेक कीजिए। ये जाली इसका चेक कर लो, ये वेल्डिंग पहले चेक कर लो, उसके बाद हम जाली देख लो, इसको जाली को क्लीन करेंगे केमिकल के साथ। वेल्डिंग देख लिए प्रॉपर है, अभी टेस्टिंग करेंगे इसको, टेस्टिंग में दिखा देंगे बिल्कुल ओके होगा। जहाँ पे भी आप इस फ्लैक्स और रोड के साथ वेल्डिंग करोगे, लीकेज बिल्कुल भी चांस ही नहीं रहता लीकेज का। ये देखिए प्रेशर है अभी इसके अंदर, रेडिएटर के अंदर। ये देखिए हाथ के पास देखिए हवा निकल रहा है। ये देखिए प्रेशर रेडिएटर के अंदर है, बिल्कुल लीकेज नहीं है बिल्कुल भी। खाली एक बार वेल्डिंग करना पड़ता, लीकेज का कोई चांस नहीं रहता इसके अंदर। ठीक है, वो देखिए हाथ से प्रेशर है, ठीक है, लीकेज बिल्कुल नहीं है। अभी इसका टैंक खोल के इसको सर्विस करना है केमिकल के साथ। अभी बाहर से हम फिन जो इसका क्लीन करके बताएंगे, वो देख लिए आप। लास्ट तक वीडियो देखिए, चेक कीजिए कैसा बनता है रेडिएटर। ये लड़का हमारे पास काम सीखने वाला, वो टंकी ओपन कर रहा है इसकी। इससे साइड वाला लोग खुल नहीं रहा है, प्लेयर नहीं लग रहा है इसको सही से। इससे प्लेयर पकड़ लेंगे हम, खोलेंगे खुद अभी। ये लीजिए, भाई मेरे से आप फ्लैक्स और रोड ले सकते हो एल्यूमिनियम का, कैसे किसी भी तरह का काम सीख सकते हो। एल्यूमिनियम का वेल्डिंग कैसे करते हैं, कंडेंसर और एसी को, वो सीख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा जाके आप मेरे चैनल पे वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो मिलती रहेंगी आपको आगे। देखिए नीचे से जंग निकल रहा है पाइप के नीचे से। इसको हमने अंदर से ज़्यादा कुछ केमिकल वगैरह अंदर नहीं डालना, बाहर से ज़्यादा साफ़ करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो देखें वेल्डिंग की, एल्युमिनियम वेल्डिंग की, रेडिएटर वेल्डिंग की, कंडेंसर एसी के पाइप वेल्डिंग की वीडियो देखिए। रोड और फ्लैक्स मिल जाएगा, कांटेक्ट करें मेरे को व्हाट्सएप पर, जानकारी लें कैसे करना है काम, कैसे नहीं करना। जो भी आपको दिक्कत इशू आता है काम में, वो मेरे से आप बातचीत कर सकते हो। अंदर से बस पाइप ओपन है इसका, रेडिएटर का बस सही है, केमिकल नहीं डालना। अगर केमिकल अंदर डालने वाला वीडियो देखना तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। स्विफ्ट का रेडिएटर के अंदर केमिकल डाल के पूरा जंग निकाला हुआ रेडिएटर का वीडियो है। जब भी हम फिन के ऊपर इसका केमिकल डाल रहे हैं, ये फिन ज़्यादा हमने इसका क्लीन करना है बाहर से रेडिएटर को। आपने अंदर का वीडियो देखना, अंदर से कैसे क्लीन करते रेडिएटर, तो मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे स्विफ्ट का एक रेडिएटर, उसके अंदर से पूरा ब्लॉक था रेडिएटर, तो हमने उसके अंदर केमिकल डाला हुआ है। ठीक है, इसकी डिमांड नहीं है अंदर डालने की, रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी। ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर डालने के लिए, तो इसलिए अभी देखिए ये केमिकल लग चुका है इसको। पानी मारेंगे इसको, सर्विस करेंगे अच्छे से। देखिए पूरा मिट्टी निकल रहा है अंदर, फिन पूरा क्लियर होगा, साफ होगा, एकदम एकदम क्लीन होगा, ये नया बनेगा एकदम। लास्ट तक वीडियो देखिए, अभी काम मेरा फ्लैक्स और रोड का है, और साथ में बताता भी हूँ कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। हर तरह का मटेरियल मिलेगा, कंडेंसर को वेल्डिंग, एसी, इंटरकूलर, ऑयल कूलर,
सब चीज़ का एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको, बातचीत कर सकते हो भाई, फ्री है, कोई पैसा नहीं है भाई। देखिए इसके अंदर से मिट्टी निकल रहा है अभी, अभी थोड़ा सा केमिकल डालेंगे और रिक्वायरमेंट था यहाँ पे। देखिए ये केमिकल वाइट है, दूसरा केमिकल देखिए मिट्टी से हो गया सर, मिट्टी निकल रहा है अंदर से, यहाँ पे अभी डाला था वहाँ से वाइट था। चैनल पे जाओ भाई और ज़्यादा वीडियो देखो, पता चलेगा आपको काम का, वेल्डिंग कैसे करना, सभी वीडियो है वेल्डिंग की वहाँ पर। देखिए प्रेशर पानी का चल रहा है अभी, क्लीन हो रहा है रेडिएटर एकदम। पहले आपने देखा रेडिएटर कैसा था, अभी चेक कर सकते हो आप, पूरा अंदर से फिन साफ करता है एकदम। ये देखिए प्लेट चेक कीजिए आप, ये वीडियो में थोड़ा ऐसे दिख रहा है, आप रियल में चेक करोगे, केमिकल यूज़ करोगे ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर आएगा। चेक कर सकते हो, टैंक क्लीन हो रहा है, मैसेज करो भाई व्हाट्सएप में, फ्री में काम सीखने को मिल रहा है, बातचीत करो कैसे होता है कैसे नहीं होता है, क्या चीज़ है वेल्डिंग का प्रोसेस, क्या रहता है हीटिंग प्रोसेसिंग क्या है, कौन सी गैस यूज़ करनी है, क्या जो भी एलपीजी गैस है। ज़्यादा डिटेल्स मैं व्हाट्सएप पे ही दे पाता हूँ, वीडियोस में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाता हूँ। तो आप जो है व्हाट्सएप पे बातचीत करें, आपको पूरी अच्छे से एक्सपीरियंस मिलेगा। ये हमारा लड़का अभी टैंक फिट कर रहा है, ये जो टैंक फिट हो रहा है ये ग्रिप प्लास से हो रहा है, ये ग्रिप प्लास है, मार्केट में अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हो। ए भाई दुकान का बोर्ड है फट चुका है भाई, बोर्ड पुराना हो गया, फट गया भाई। दुकान है अपनी भाई पंजाब स्टेट पंजाब में है गैराज अपना, और धारीवाल सिटी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। वैसे तो ज़्यादा देर हम बाहर में फॉरेन में काम करते हैं, अभी थोड़ा लीव पर आए हैं तो अपना गैराज में लगे हैं। चेक करेंगे रेडिएटर को भाई, टेस्टिंग करेंगे अभी। देखिए फिटिंग ढूंढ रहे हैं इसकी, फिटिंग मिली नहीं अभी इसकी, तो ऐसे ही चेक करेंगे अभी। पानी में पता नहीं कहाँ है, चेक कर सकते हो आप अभी। सही है रेडिएटर पूरा, प्रेशर है अंदर रेडिएटर के, पूरा चेक कर सकते थे। ओके हो गया भाई रेडिएटर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो आती रहेगी वेल्डिंग की, कंडेंसर एसी के पाइप की वेल्डिंग की, ऑयल कूलर इंटरकूलर अलग अलग तरह की वीडियोस आती रहेगी। रेडिएटर आप चेक कर सकते हो, फिन चेक कर सकते हो, रेडिएटर की एकदम बढ़िया है, ठीक है। पहले आपने देखा होगा रेडिएटर कैसा था, क्लास।